नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम ट्रिक्स में। आज का ये टॉपिक जो है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी काफी ज्यादा सहायता करेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो छोड़कर अगर आप जा रहे हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में, चाहे बिहार बोर्ड के हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो छोड़ के मत जाना। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि यूपी बोर्ड एग्जाम या फिर बिहार बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं, दसवीं के सोचते हैं, बारहवीं के सोचते हैं कि कॉपी आखिर कैसे चेक होती है, जिससे हमें कम मार्क्स मिलते हैं, जिससे हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, किसी को मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, और सबसे अलग बात कि हम कैसे कॉपी लिखें जिसे एग्जामिनर को अच्छा लगे, जिसे एग्जामिनर हमें सबसे ज्यादा नंबर दे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिफाइन करने वाले हैं इस वीडियो में। सो प्लीज वीडियो में अंत तक ही बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना और सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए आपके फोन में। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब कॉपी लिखने चलते हो बोर्ड एग्जाम की, तो आपके पास मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। इन 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चंस हल करने हैं। सबसे पहले बच्चा यहीं पर डर जाता है कि 3 घंटे 15 मिनट में मैं कैसे कर लूंगा। सो सबसे पहले आप घर से ही एक प्लानिंग बना के जाओगे कि 3 घंटे 15 मिनट में मुझे इस स्पीड से लिखना है कि मेरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं और मुझे कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ना पड़े। ध्यान रखिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो मान लो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आता भी नहीं है, फिर भी अगर आप उसमें कर दोगे तो आपको आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर दे दिया जाएगा, आपकी लिखावट के अनुसार, आपके सॉल्व के अनुसार, क्योंकि यूपी बोर्ड ने स्टेप मार्किंग कर दी है। आपको एक एक स्टेप के नंबर मिलते हैं, यानी कि जैसे आपका 6 लाइंस का सवाल है, 6 लाइंस का, तो आपने 3 लाइंस तक की सही सवाल किया, 4th लाइन से आपने गड़बड़ करना शुरू कर दिया, तो वो 3 लाइन के नंबर आपको दे दिए जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल आपका था 4 नंबर का, 3 लाइन के नंबर हुए 2.5 नंबर, समझ गए। तो इस तरह के अनुसार आपको अपने क्वेश्चन एकदम अच्छे से देख करके, अच्छे से फिट करके लिख डालने हैं सारे क्वेश्चन। सबसे पहली गलती आप यही करते हो कि सारे क्वेश्चन करके नहीं आते, उसके बाद जब घर में आते हो तो परेशान होने लगते हो। तो सबसे पहली बात, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको सारे क्वेश्चन लगा के आने, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो। ये तो रही आपकी पहली गलती जो मैंने आपको बताई। दूसरी गलती, एग्जामिनर ये देखता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, ये सबसे बड़ी चीज है। सेकेंड जो चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे महत्व रखता है आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, आपकी राइटिंग कैसी है। आप गंदे से गंदी राइटिंग लिख के देख लो और आपको पूरी कॉपी आती हो, मतलब समझना पूरी किताब आती हो आपको, आप इंटर के टॉपर हो, आपको सब कुछ आता है, इंटर में सब कुछ आता है, एकदम बढ़िया आता है, हाई स्कूल में सब कुछ आता है, एकदम बढ़िया आता है, आप एकदम गंदी राइटिंग वाले हो, यानी कि आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तब आप पेपर देकर देखो जाकर के, आप जितने भी बड़े टॉपर होगे ना दोस्तों, उतना ही आपके नंबर काटेंगे, क्योंकि राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कॉपी खोलते ही देखता है कि राइटिंग कैसी है, ठीक है, एग्जामिनर सबसे पहले यही देखा कि राइटिंग कैसी, राइटिंग अच्छी है तो वो अच्छे क्वेश्चन के भी बहुत बढ़िया नंबर देता है, और अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसके दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आपको नंबर काटेगा, 100% नंबर काटेगा, वो राइटिंग के नंबर तो अलग से काटेगा ही काटेगा, क्वेश्चंस के अलग नंबर काटेगा, क्योंकि राइटिंग उसको सबसे ज्यादा खूबसूरत आपको चाहिए। आप जितनी ज्यादा खूबसूरत राइटिंग लिखोगे उससे उतना ज्यादा आपको नंबर मिल सकते हैं। सो प्लीज सबसे पहली बात, इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी लोग राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, अच्छी अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप एग्जामिनर को अपने प्रभावित कर सको। तीसरी चीज यहाँ पे आती है, आप राइटिंग लिखते समय आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई हलंत, विसर्ग या फिर कोई ऐसी चीज का गलती करते हो, कोई ऐसी चीज गलती करते हो, जैसे आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर बहुत देखता है। आपके अनुसार ये छोटी चीज होंगी, लेकिन उनके अनुसार ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा से बढ़कर आपके यहाँ पे IQ नाप भी जाती है, कि आपको पता है कि क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है, क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है कि नहीं लगाना है, आंसर जब खत्म हो रहा है फुल स्टॉप लगाना है कि नहीं लगाना है, ये चीजें एग्जामिनर आपका बहुत ज्यादा देखता है। सो प्लीज इन चीजों पे आप जरा फोकस करो, सबसे पहला राइटिंग पे, दूसरा आप हलंत विसर्ग जहां पे भी जो लगाना है
उस अनुसार इन सब चीजों को बैठा लो, इन सब चीजों को अरेंज करो ताकि आपकी कॉपी में एग्जामिनर कोई गलती ढूंढ ही ना सके। आपको चाहे आता भले कुछ नहीं हो, एकदम नॉर्मली सी बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, ठीक है, वो लगभग लगभग 3-4 दिन पढ़ाई करके ना अपने 65-67% ले आते हैं। कैसे? राइटिंग अच्छी होगी, ठीक ठाक बढ़िया, एकदम थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख लेते हैं और बाकी सारा कहानी लिख के चले आते हैं, 65% नंबर आ जाते हैं, 66 आ जाते हैं, इस तरह। तो इस तरह आपको भी उनके दिमाग से चलना है कि उनकी राइटिंग अच्छी है, जिस बच्चे की राइटिंग नहीं अच्छी है उनके नंबर देख लो, और जिनकी राइटिंग अच्छी है उनके नंबर एक बार उठा करके देख लो। सो टॉपर्स में और आप में इतना ही अंतर है कि टॉपर्स, अगर आप कोई भी टॉपर की कॉपी देखोगे तो उसकी कॉपी इतनी नीट एंड क्लीन दिखेगी ना आपको, देख के मजा आ जाएगा, यानी कि सारा कुछ एकदम क्लियर, सब कुछ एकदम शुद्ध रूप से बढ़िया एकदम क्वालिटी वाला लिखा होगा। क्वालिटी कंटेंट एग्जामिनर को भी पसंद है, क्वालिटी कंटेंट हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और अगर हम मेहनत कर ले जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो एक क्वालिटी कंटेंट पे आप थोड़ा सा स्ट्रगल करिए, अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है, परफेक्शन नहीं है चीजों के अंदर, सो आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन नहीं कर सकते हो, ये कहीं पे भी लिख के रख लो दोस्तों। आप इन सभी जो क्वालिटी मैंने आपको बताई है, इन क्वालिटी को अगर आप इम्प्रूव करोगे सो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अपनी राइटिंग आज से रफ रजिस्टर ले लो, एक कोई भी पास की दुकान से रफ रजिस्टर लेकर के कम से कम पर डे जो आपको क्वेश्चन याद करना है ना, वो क्वेश्चन याद करने के साथ साथ लिख के भी देखो, ठीक है। याद करो, लिखो, फिर याद करो, फिर लिखो, फिर याद करो, फिर लिखो, ये चीजें आपकी राइटिंग तो अच्छी होगी साथ ही साथ आपका याद भी हो जाएगा। तो ये चीजें आप बेटर करने की कोशिश करो, हलंत विसर्ग जहां लगाना है वहां लगाओ। एग्जामिनर अपने हिसाब से कॉपी चेक करता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना वो आपको जानता है ना आप उन्हें जानते हो, ठीक है। उनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, उनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। जो बच्चे डरते हैं कि ये मेरे नंबर काट लेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, फर्जी नंबर काट लेंगे, फर्जी नंबर कोई नहीं काटता है, वो एक एक चीज देखते हैं, एक एक परफेक्शन देखते हैं आपकी, कि आपने कोई गलती नहीं कर रखी है, उनको कौन सा शौक रखा हुआ है आपके नंबर काटने का, उनसे आपकी दुश्मनी तो है नहीं, हालांकि किसी से भी नहीं है दुश्मनी, ठीक है। टॉपर्स के नंबर अच्छे आ जाते हैं तो क्या उनसे उनकी मित्रता थी, टॉपर्स के क्या वो दोस्त थे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दोस्त किसी के नहीं थे, वो अच्छे तरीके से लिखा है उन्होंने, टॉपर्स ने अच्छे तरीके से लिखा है, अच्छा परफेक्शन दिया है कॉपी में, हर एक चीज एकदम अच्छे से लिखे हैं। और यहाँ पे थर्ड बात हम करने जा रहे हैं, थर्ड बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड बात पे हम फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि हम कौन कौन से पेन्स का यूज करें, ठीक है। यूजुअली हम ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्केच पेन का यूज हम करते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो स्केच पेन आपको ब्लैक या ब्लू में से यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको परफेक्शन देनी है, जहां पे भी आपको उत्तर लिखना है तो उत्तर स्केच से हेडिंग डाल दो, ठीक है, अच्छा अच्छा, ताकि एग्जामिनर को हाईलाइटेड दिखे, अच्छा दिखे, बेटर दिखे, तो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी कॉपी की तरफ अट्रैक्ट हो, तो आपके अच्छे नंबर दे, ठीक है। तो आपको हेडिंग जितनी भी डालनी है अपनी कॉपी में वो स्केच पेन से डालनी है। आप ध्यान में रखें कि आप केवल 2 प्रकार के स्केच पेन यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्केच पेन यू विल यूज। फर्स्ट है आपका ब्लैक स्केच पेन, सेकंड है आपका ब्लू स्केच पेन। इनके अलावा आप कोई स्केच पेन यूज मत करना। बहुत बच्चे होते हैं रेड ले जाते हैं, ग्रीन ले जाते हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एग्जामिनर ऊपर से गुस्सा अलग से हो जाता है। इन सब चीजों को आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिएगा, ब्लैक एंड ब्लू स्केच पेन ले जाना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन ले जाना है, जहां पे भी आपको हेडिंग डालनी है, जो भी हेडिंग डालनी है, अच्छी से अच्छी हेडिंग डालनी है आपको, और अच्छा से अच्छा लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको लाइन खींच देनी है, जिससे आपकी परफेक्शन में कोई भी गलती ना ढूंढ पाए एग्जामिनर, ठीक है। यही सब चीजें होती है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, जो एग्जामिनर एकदम डीपली देखता है, एकदम अंदर तक की देखता है कि ऐसी कोई गलती तो नहीं हुई है जिससे मैं नंबर काट सकूं। अब जब आप वो गलती ही नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं काटेगा, और जाहिर सी बात अगर आप ठीक ठाक लिख के आए होगे तो आपको 70% तो ऐसे ही मिल जाएंगे जिनको अच्छे नंबर चाहिए। और यूजुअली अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर चाहिए तो आपकी राइटिंग अच्छी है ही, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपको फोकस किया है 4 टॉपिक्स पे, ये 4 टॉपिक्स आपके काफी ज्यादा सहायता करेंगे। ये 4 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं आप सभी के लिए, 4 पॉइंट्स पे आप मेहनत करना सुबह से लेकर शाम तक, और कोशिश करना कि सुबह 5 बजे
बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दो। इसका पिछला वाला वीडियो आप देख लो कि सितंबर की पढ़ाई करने से मैं क्या यूपी बोर्ड में एग्जाम में 95% 90% मार्क्स ला सकता हूँ। सो मोटिवेट होने के लिए पिछला वाला वीडियो देखो, आई कार्ड में मैंने लिंक दे रखा है, एंड स्क्रीन में लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वीडियोस एकदम रेगुलर आएंगे, डोज आपको रेगुलर मिलेगी, एकदम रेगुलर चैनल पे बने रहना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों से, ताकि आपका तो काम बना जा रहा है इस वीडियो को देख करके, तो दूसरे का भी काम बनाने की कोशिश करो। सो प्लीज वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा जनता तक, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए, जहां पे भी आप शेयर कर पाओ कर दो। जितने ज्यादा यूपी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकेंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकेंगे, उतनी ज्यादा उनकी हेल्प हो सकेगी। सो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखता हूं मैं कोई अन्य टॉपिक, अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो 100% उस टॉपिक पे बनाऊंगा। कोई भी टिप एंड ट्रिक्स चाहिए आपको तो वीडियो पे कमेंट करके बताओ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो उस पे आपको 100% डेफिनेटली मिलेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।